मी आपल्याला आवाहन करतो की आता कोणाचाही फोन आला, कोणाचाही मोबाईल आला, अब हॅलो नाही, वंदे मातरम कहेंगे, आज हम कहेंगे, कल जिया कहेगा, परसों महाराष्ट्र कहेगा, फिर सारा देश कहेगा। महाराष्ट्र के सरकारी दफ्तरों में हेलो की बजाय बातचीत की शुरुआत वंदे मातरम कहकर करने के आदेश को लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया है। सईद नूरी ने इस पर एतराज किया है, हम लोग सिर्फ अल्लाह को पूछते हैं, वंदे मातरम के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन दीजिए, ऐसा ऑप्शन दीजिए जो सबको स्वीकार हो। इन लफ्जों में रजा अकादमी ने महाराष्ट्र सरकार के सांस्कृतिक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार के हुक्म पर एतराज उठाया है। इस तरह महाराष्ट्र के सरकारी दफ्तरों में हेलो की बजाय बातचीत की शुरुआत वंदे मातरम कहकर करने के आदेश को लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया है। रजा अकादमी के अध्यक्ष सईद नूरी ने कहा है कि वे इस बारे में मुस्लिम उलेमाओं और बाकी संबंधित लोगों से मशवरा करेंगे। सईद नूरी ने कहा है कि वे सभी संबंधित लोगों से बात कर सरकार को अपना एतराज जताते हुए एक खत लिखेंगे। विपक्ष की ओर से भी इस पर कटाक्ष किए जा रहे हैं। एनसीपी नेता छगन भुजबल ने कहा कि सीएम एकनाथ शिंदे भी जरा सुधीर मुनगंटीवार से पूछे कि वे जय महाराष्ट्र कहकर अपना संबोधन शुरू करें या वंदे मातरम कहकर। बता दें कि शिवसैनिक अपनी किसी भी बातचीत की शुरुआत और अंत में जय हिंद जय महाराष्ट्र कहकर किया करते हैं। इसके अलावा सुधीर मुनगंटीवार ने इस विषय पर कहा है कि जल्दी ही इस बारे में अधिकृत आदेश सांस्कृतिक विभाग द्वारा जारी कर दिया जाएगा। सुधीर मुनगंटीवार ने कहा है कि वंदे मातरम सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि हर भारतीय की भावना है, लेकिन रजा अकादमी ने यह साफ कर दिया है कि उनकी भावना वंदे मातरम के साथ सुर मिलाने की नहीं है। उनकी कौम के लोग कोई और विकल्प तो स्वीकार कर लेंगे, लेकिन अल्लाह के सिवा किसी और की वंदना का ख्वाब या तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, एंटी करप्शन न्यूज़।